नमस्कार दोस्तों, छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर। कल एक पोस्ट में हमारे एक मित्र ने कहा कि इस बार जो शनि अमावस है उसके ऊपर थोड़ा सा बताइएगा। 4 मई 2019 को शनि अमावस रहेगी। क्यों शनि अमावस का विशेष महत्व है? क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से शनि अमावस इस बार ध्यान रखने योग्य है, या सदा ही शनि अमावस इतनी ज्यादा क्यों महत्वपूर्ण रही? इसको कैसे समझना चाहिए? बीच में आने वाली आवाजों के लिए क्षमा। इसको कैसे समझना चाहिए, एक बार अगर इसको देख लेते हैं तो हमें समझ आएगा कि इसको कैसे समझ। देखिए, शनि एकांत प्रिय है और शनि विशेषत है। जो सूर्य है वो प्रकाश के स्वामी है और शनि अंधेरे के स्वामी। एक धरती के नजदीक है और एक धरती से अति दूर है, इसीलिए अमावस्या वाले दिन विशेषतः अंधेरे को ही अमावस बोला गया है। जब अमावस, अमा का मतलब साथ, वस का मतलब रहना, जब सूर्य और चंद्रमा साथ साथ रहते हैं तो उस समय अमावस्या कहलाती है। ये खगोलीय घटना है, लेकिन धर्मशास्त्र में इसके बहुत महत्व भी है, क्योंकि इस दिन पुण्यकाल बने रहते हैं, साधनाओं का, पूजाओं का बहुत विशेष इसमें महत्व है। पुराणों के समय से ही इसके बारे में बताया गया है। तो क्योंकि जब ये शनिवार को पड़े तो शनि अपने आप में वैराग्य के, अध्यात्म के, गहरी पूजाओं के, समाधियों के शनि कारक है, और अगर ये अमावस के दिन पड़े तो इसलिए इसका महत्व और भी ज्यादा इसमें बढ़ जाता है। रात्रि काल के अंदर अमावस्या होती है और शनि कुदरती अंधेरे के स्वामी भी है एक प्रकार से, क्योंकि जब कारक तत्व पड़ते हैं तो अंधेरी जगहों पे जाना या अंधेरे कोने शनि के द्वारा शासित होते हैं, इसलिए जो शनि है वो अमावस के दिन। दूसरी बात, जो अमावस्या है क्रूर वारों के लिए थोड़ी ज्यादा महत्व करती है, पूर्णिमा शुभ वारों के लिए। तो सोमवारी, सोमवती, पूर्णिमा या भौम, ये सब जो हैं वो पूर्णिमा के लिए बहुत विशेष होते हैं, और शनि अमावस के लिए और मंगल अमावस के लिए बहुत विशेष हो जाते हैं। जैसे सोमवती अमावस, भौमवती अमावस और शनिश्चरी अमावस विशेष महत्व रखती हैं, इसीलिए शनि अमावस्या का अपने आप में बहुत ही महत्व रहता है। इस बार 4 मई 2019 को शनि अमावस्या रहेगी, जिस दिन जो चंद्रमा है वो मेष राशि में रहेंगे। अश्वनी नक्षत्र को क्रॉस करके, पूरा करके भरणी के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। भरणी अपने आप में एक बहुत ही ऊर्जावान लेकिन विध्वंस नक्षत्र भी कहलाता है, इसीलिए जब चंद्रमा भरणी नक्षत्र में होंगे तो यम का द्वार है भरणी नक्षत्र, यम इसके स्वामी है। इसी समय पे जो हमारे शनि देव हैं वो एक प्रकार से धनु राशि में रहेंगे। धनु राशि के अंदर इस वक्त शनि को मंगल देख रहे हैं और साथ में केतु इसके साथ है। ये अपने आप में थोड़ा अप्रिय भी है, एकांतवास के लिए अच्छा है लेकिन अप्रिय भी है। धनु राशि सैन्य स्थानों का, सैन्य कोषागारों का स्थान है। अगर शनि उसके अंदर विराजमान है और उसको या मंगल देखते हैं तो ये थोड़ा ठीक नहीं है। इसका खगोलीय घटना का प्रभाव ये पड़ सकता है कि हमारे जो सैन्य स्थान हैं उनके ऊपर थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए, उन लोगों को अनजाने में किसी प्रकार की पीड़ा पहुंच सकती है। ऐसा हमारे क्या, पूरे संसार के अंदर ही ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है जहाँ पे सेना से कोई सेना को लेके या सेना के लिए कोई परेशानियां बनती है। ऐसा शनि अमावस्या के दिन इसके परिणाम आने वाले दिनों में देखने को प्राप्त होते हैं। वैसे ये खगोलीय घटनाएं हैं, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में इसका बहुत ज्यादा असर एकदम से देखने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जब तक कोई ग्रह आपके दशानाथ नहीं है तो उनके असर, आप ये समझ लीजिए, आपके लिए न्यून से भी न्यून रह सकते हैं। दशानाथ के रिजल्ट अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं, इसीलिए अगर मान लीजिए शनि आपके दशानाथ हैं तो
तो उस वक्त शनि के परिणाम देखने को ज्यादा मिलेंगे, अर्थात इसमें शनि को देखें तो जी, जैसा कि मैंने बताया अगर शनि आपके दशानाथ हैं और उन्हीं की दशा इस वक्त लगी हुई है, तो इनका अमावस्या लगना, इनका गोचर, इनका वक्री होना और थोड़ा सा सावधानी पूर्वक हो जाता है। क्यों? क्योंकि दशानाथ के गोचर, दशानाथ के साथ होने वाले असर, दशानाथ के वार के साथ जो चीजें हैं वो बहुत विशेष महत्व रखते हैं। अन्यथा ये खगोलीय घटनाएं हैं, इनसे बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर ये कुदरती आपके दशानाथ है तो थोड़ा सावधानी तो बरतनी पड़ती है। क्या है, सैन्य स्थानों की सुरक्षा रखें, हमारे जो सैनिक हैं उनको मान सम्मान दें, इसी प्रकार से अगर हो सके तो शनि से संबंधित जो वस्तुएं हैं वह ऐसे व्यक्तियों को दें जो निर्धन हैं, जो गरीब हैं, तो काफी लाभ प्राप्त होगा। जैसे आजकल गर्मी बहुत चल रही है, जल का प्रबंध करें और साथ में जो छाता है और जो पहनने वाला चप्पल है वह दान करने से एक प्रकार से ये समझ लीजिए कि ये शनि से संबंधित जो फल है उनमें सहायता करता है कि उसके दुष्परिणाम आपको नहीं। क्यों ऐसा है अगर देखें तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से हमने कोई चीज दी तो ग्रह को वहां जाके लगते, ये एक प्रकार का आदान प्रदान है। जब हम किसी को कोई वस्तु दान दे रहे हैं तो उसकी शुभकामनाएं, उसकी दुआएं हमें लगती हैं, ऐसा नियम कहता है। तो दुआओं में बहुत असर भी होता है आदिकाल से ही, और व्यवहारिक भी है कि अगर किसी ने कहा खुश रहिए तो आपको अपने आप में ऐसा लगेगा कि शायद ये बुजुर्ग मेरे को खुश रहने के लिए आशीर्वाद दे रहे और मैं खुश ही रहूंगा। तो इसीलिए शनि की वस्तुओं का दान अगर निर्धन लोगों को किया जाए, जरूरतमंद लोगों को किया जाए तो अच्छा है, इसमें काफी लाभ देखने को मिलेगा, तो ये इसके परिणाम रहेंगे। दूसरा है कि इसमें जो ध्यान रखने योग्य है कि जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए और भी विशेष हो जाता है, तो उनका ख्याल रखिए, उनके हालचाल पूछिए। अगर उनके स्वास्थ्य में थोड़ी नरमी है तो इसको नजरअंदाज ना करें और डॉक्टर को जरूर। धन्यवाद। शनि अमावस्या से इतना डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इससे आप अगर अपना ख्याल रखेंगे तो ये किसी प्रकार का दुष्परिणाम नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाते रहिए जिससे कि नए वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद, खुश रहिए।